हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉड्यूलर किचन के बारे में कि मॉड्यूलर किचन होती क्या है। तो चलिए बिना कोई टाइम को वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मॉड्यूलर किचन एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट होता है किचन का, जिसमें आपको स्टाइलिश किचन कैबिनेट, वॉल यूनिट्स, सेल्स, बेसिन और बहुत सारी वैरायटी की स्टोरेज कैपेसिटी आपको इसमें मिलती है, जिसमें आप डिफरेंट किचन मटेरियल स्टोर कर सकते हैं। और आजकल बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं अपनी रेगुलर किचन को मॉडर्न किचन में बनवाने में, जिससे उन्हें स्टोरेज कैपेसिटी भी मिल जाती अलग अलग वैरायटी की एंड कन्वीनियंट भी होता है यूज़ करने में। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मॉडुलर किचन डिज़ाइंस की, तो इसमें बेसिकली हमको यू एंड एल शेप्ड किचन डिज़ाइंस देखने को मिलते हैं, आपका किचन आइलैंड डिज़ाइन देखने को मिलता है एंड सिंगल वॉल लाइन किचन डिज़ाइन हमको इसमें देखने को मिलता है। अगर बात करें हम सिंगल वॉल डिज़ाइन की, तो इस डिज़ाइन में आप देखेंगे इसमें कि जो सारे अप्लाइंसेस होते हैं और जो सारे किचन वॉल कैबिनेट्स होते हैं वो सिंगल लाइन में एक सिंगल साइड वॉल में डिज़ाइन होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किचन आइलैंड के बारे में। इस टाइप की किचन की डिज़ाइन की बात करें हम, तो इसमें जो कुकिंग स्पेस काउंटर होता है वो बिल्कुल किचन के मिडिल में प्लेस किया जाता है एंड उसके एक साइड में वॉल कैबिनेट्स होते हैं एंड अदर साइड में हम उसको फ्री स्पेस एरिया रखते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें हम यू एंड एल शेप्ड किचन डिज़ाइंस के बारे में, तो जो एल शेप्ड किचन डिज़ाइन होता है वो मीडियम साइज किचन या स्मॉल साइज किचन डिज़ाइंस के लिए अच्छा होता है, जिससे उसकी वर्किंग स्पेस काफ़ी मिल जाती है। वहीं अगर हम बात करें यू शेप्ड किचन की, तो इसमें हमको स्पेस को थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है इन कंपैरिजन टू एल शेप किचन डिज़ाइंस के एंड इसमें हमें ये ध्यान देना होता है कि जब भी हम यू शेप्ड किचन का प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं या मॉडुलर किचन को बनवाते हैं, तो जो हमारा दो प्लेटफॉर्म के जो बीच का स्पेस होता है वो मिनिमम 5 फीट तो होना चाहिए, ताकि वर्किंग करते समय कन्वीनियंट हो। किचन में अगर दो लेडी वर्क कर रहे हों तो उनको कन्वीनियंट हो किचन में वर्क करते वक्त। तो ये हमारे हुए कुछ पॉपुलर किचन टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस की। अब हम कंपेयर करेंगे मॉडुलर किचन और रेगुलर किचन कुछ पॉइंट्स के बेसिस में। नंबर फर्स्ट अगर हम देखें इनको, अगर स्पेस मैक्सिमाइजेशन के बारे में, तो जो मॉडुलर किचन होती है वो स्पेस को बढ़ाती नहीं है, वो स्पेस को मैक्सिमाइज नहीं कर। अगर आपके किचन लेआउट में कहीं बीम्स हैं या इंक्लाइंड वॉल्स हैं या कुछ इररेगुलर शेप्स हैं या इररेगुलर गैप्स हैं वॉल्स के बीच में, तो आई थिंक मॉडुलर किचन वहाँ बनवाना अच्छा नहीं होगा। उसमें हम स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। उससे अच्छा ये होगा कि आप किसी भी अच्छे कारपेंटर को बुलाकर उसी शेप्स और किचन के लेआउट के अकॉर्डिंग आप उसी को बेस्ट यूटिलाइजेशन के हिसाब से वो फर्नीचर कैबिनेट्स आप बनवा सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट आपके लिए रहेगा इन टाइप की स्पेस अगर आपके पास है या कहीं पे अगर ऐसा देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन टाइम की, तो जो मॉड्यूलर किचन होती है हमारी वो इंस्टॉलेशन टाइम बहुत कम लेती हैं, क्योंकि इनके जो पार्ट्स होते हैं वो फैक्ट्री में ही मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, तो वो पार्ट्स हमें ऑन साइट लाना होता है और डायरेक्ट उसको इंस्टॉल कराना पड़ता है, रेदर इन कंपेरिजन टू अगर हम कारपेंटर को बुलाएंगे और यही मॉड्यूलर किचन उनसे बनवाएंगे ऑन साइट पे, तो वो ज़्यादा टाइम भी लेंगे और कॉस्ट भी आपकी बढ़ सकती है। अगर हम बात करें मेंटेनेंस की, तो जो हमारे मॉड्यूलर किचन होते हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं वो प्री बिल्ट होते हैं, फैक्ट्री में ही बन के आते हैं, तो अगर उसका कोई भी एक पार्ट्स या कुछ अगर डैमेज हो जाता है तो उसके लिए थोड़ा टफ होता है कि हम उसको रिप्लेस कर पाएं, तो उस कंडीशन में हमको किसी लोकल कारपेंटर को ही बुला के उस डैमेज को फिक्स कराना पड़ता है। बात करें अगर हम डिज़ाइंस की, तो जो मॉड्यूलर किचन होता है उसमें हमें फिक्स डिज़ाइंस ही मिलती हैं, वही अगर हम रेगुलर किचन की बात करें तो हम उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करके अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं। सो आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट वीडियो था, यहीं एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड इसको शेयर भी करें एंड वो बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।